हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर पवने करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पवने क्या होती है। जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ वायु गमन करती है तो उसको हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो वायु और पवन में क्या अंतर है? वायु जब एक जगह ठहरी हुई होती है तो उसको वायु बोलते हैं, और जब वायु गमन करती है उच्च से निम्न की तरफ वायु दाब की तरफ तो उसको हम क्या कहते हैं? पवने कहते हैं। अब रही बात, पवने दो प्रकार से चलती हैं, ठीक है। किस प्रकार से? जब इस प्रकार से चलेंगी ना, पैरेलल, मतलब ग्राउंड के पैरेलल जब चलती है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय तरीके से चलेगी तो उसको पवन कहते हैं, और ऊपर से नीचे जब चलती है तो उसको हम वायुधारा कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? हम वायुधारा कहेंगे। अब पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? वायुदाब। सबसे पहले देखिए, पवन की दिशा को प्रभावित कौन करता है? वायुदाब करता है भाई, ठीक है। क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएगा, जिधर भी वायुदाब में अंतर आएगा ना, हवाओं का मुंह वैसे ही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मुंह वो जैसे भी करेंगी, तो इस चीज को हम दाब प्रवणता भी कहते हैं। दाब प्रवणता क्या होती है? उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर है ना, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा दाब प्रवणता कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, बैरोमीटर में मतलब वायु दाब को मापा जाता है, जो कि नॉर्मल रहेगा ना औसतन पृथ्वी का, वो हमारा 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है। अब हम बात करते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल को फेरल का नियम भी कहते हैं भाई। ये क्या होता है? जब पृथ्वी घूमती है ना तो एक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे हवाओं पर क्या होता है? असर पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल या फिर फेरल का नियम बोलते हैं भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास से कोई व्हीकल जाता है तो वो जैसे एक ऐसा फोर्स लगता है जिससे वायु क्या है? चेंज हो जाती है। मतलब जैसे आप अपने को हवा लगती है, तो मतलब इस प्रकार से कोरियोलिस बल होता है भाई, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री है, क्या होता है? 0 डिग्री। तो अब जो 0 डिग्री हमारी विषुवत रेखा होती है और 90 डिग्री हमारा साउथ और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। इसके बीच में अब जो हवाएं चलेंगी उनके टाइप हम करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, पवने 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? प्रचलित पवने होती हैं। नंबर 2 पे मौसमी पवने होती हैं। नंबर 3 पे स्थानीय पवने होती हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्रचलित पवनों की। प्रचलित पवने ये क्या होती है? स्थानीय पवने होती है और वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। क्या करती है? वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहते हैं व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने कौन सी होती है? व्यापारिक पवने है ना, हमारी जो पृथ्वी है उसमें 0 से ऊपर 30 आएगा, तो जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में जो चलने वाली पवने होती है उनको हम व्यापारिक पवने कहते हैं, जो कि वर्ष भर चलती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने कौन सी होती है? ध्रुवीय पवने होती हैं जैसे कि ध्रुव के ऊपर मैंने आपको बताया उच्च वायुदाब होता है। जैसे मतलब लास्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो ध्रुव पे क्या होता है? कम स्पीड होती है पृथ्वी की, तो यहाँ पे वायुदाब ठंडा होने की जगह से वायु ऊपर नहीं उठ पाती है, तो वायुदाब यहाँ पे क्या होता है? हमेशा ऊंचा रहता है, उच्च वायुदाब होता है। तो पवने यहाँ से हमेशा क्या होती रहती है? अंदर की तरफ आती रहती है परमानेंट, तो उसको हम ध्रुवीय, ये भी हमारी क्या है? वर्ष भर चलती रहती है। इसके बाद जैसे पिछुआ पवने भी इसी का उदाहरण है। पिछुआ जो पवने है ना, वो भी हमारी वर्ष भर चलने वाली मतलब क्या होती है? पवने, इन्हीं का एक उदाहरण है पिछुआ पवन भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मौसमी पवने, ठीक है। जो मौसमी पवने है ना, मौसमी पवने कौन सी होती है? ये हमारी जून से जुलाई के बीच चलने वाली जो पवने होती है उनको हम क्या कहते हैं? मौसमी पवने कहते हैं। जैसे मानसून की भी हमारे मतलब साल में क्या है, 1 या 2 महीने के लिए जो हवाएं चलती है मानसूनी हवाएं होती है। तो अब हम बात करते हैं स्थलीय समीर और समुद्री समीर। स्थलीय समीर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दिन के समय में है ना, दिन के समय में हवाएं क्या करती है? जल से और थल की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। क्या स्टूडेंट्स? जैसे जल है,
और जल से जो थल है ना उधर चलना स्टार्ट कर देती है दिन के समय में, उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और रात के समय में इसका उल्टा होता है, यानी सथलीय भागों से जल की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सथलीय समीर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कि हमारी जैसे 40 से 60 डिग्री के बीच जो हवाएं चलती है ना, तो उनके अंदर जैसे जो 40 डिग्री के ऊपर चलती है उसको हम गरजता चालीसा बोलते हैं, 40 डिग्री वाली को क्या बोलेंगे, गरजता चालीसा, ठीक है। इसके बाद 50 डिग्री पे जो चलती है ना, 50 डिग्री पे जो चलती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं। और जो 60 डिग्री पे चलती है ना, 60 डिग्री पे जो चलती है उसको हम चीखता हुआ साठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीखता हुआ साठा। तो 40 और 60 के बीच में कौन सी पवने चलते हैं स्टूडेंट्स, पिछवा पवने चलती हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने मतलब मौसमी पवने कर ली हैं, इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती है स्टूडेंट्स, स्थानीय पवने है ना अलग अलग देशों में अपने क्षेत्र के हिसाब से मतलब क्या है, चेंज होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो अब जैसे ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। इन दोनों से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश यानी बाढ़ की भी स्थिति बन सकती है, या फिर यहाँ पर सूखे की स्थिति भी बन सकती है। इनके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय हवाओं की। इसके अंदर जैसे चिनूक, सबसे पहले हम बात करेंगे चिनूक जो हवा है वो रॉकी पर्वत पर चलती है, रॉकी पर्वत पर चलती है और गर्म हवाएं होती है। ये यूएसए और कनाडा के अंदर होती है, ठीक है। चिनूक कहाँ पे, रॉकी पर्वत, यूएसए और कनाडा के अंदर गर्म हवाएं होती हैं। और इनका फायदा क्या है कि ये गर्म हवाएं जब चलती है ना तो जो बर्फ है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और वहां पर घास उगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे चारागाह के लिए मतलब बहुत फायदा मिलता है, पशुपालन वगैरह में भी इसका फायदा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोन। फोन जो है ये हमारी अल्फर्स पर्वत के ऊपर, किसके ऊपर, फोन जो है अल्फर्स पर्वत पे चलते गर्म हवाएं होती हैं। ये मैं इस तरफ जो लिखी हुई है सारी गर्म हवाएं बताऊंगा और जो एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो फोन है ये स्विट्जरलैंड के अंदर चलती है भाई, ठीक है, गर्म हवाएं स्विट्जरलैंड में। और बिल्कुल सेम इसका प्रॉफिट फायदा जो भी है, यानी कि पशुपालन और चरागाह के अंदर काम आती है। हरमटन जो है, हरमटन हमारी सहारा क्षेत्र के अंदर चलती है भाई, किसके अंदर, सहारा क्षेत्र के अंदर, यानी पश्चिमी अफ्रीका की बात भी आप कर सकते हैं। और ये गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है, गिनी तट पर चलती है, जिनको डॉक्टर पवने भी बोलते हैं। ठंड की वजह से जो बीमारियां कीटाणु पैदा होते हैं ना, तो गर्म हवाएं जब आती है तो वहां पे जो बीमारियों वाले कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती है। इसलिए इसको वहां पर कौन सी, डॉक्टर पवने भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिमुक हवाएं। जो सिमुक हवाएं है ना वो अरब रेगिस्तान के अंदर चलती है भाई, किसके अंदर, अरब रेगिस्तान के अंदर चलती है, गर्म होती है और इसके अंदर भी मतलब जैसे पशुपालन वगैरह के अंदर फायदा होता है। इसके बाद हमारी है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के अंदर चलती है भाई और गर्म हवाएं होती है, वही पशुपालन में गर्म हवाएं ज्यादातर जहां भी मतलब जैसे बर्फ वाले क्षेत्र वहां पे पशुपालन में फायदा करती है। फिर हमारी होती है ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर, देखिए फील्डर कहाँ के अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के याद रह जाएगा, तो इसलिए ब्रिक, ये ब्रिक फील्डर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, गर्म हवाएं होती है भाई, ठीक है। इसके बाद कोयम बैंक, कोयम बैंक कहाँ पे चलती है स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया में, गर्म हवाएं होती है। लू, लू हमारे भारत में चलती है, गर्म हवाएं होती हैं भाई, ठीक है। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ पे चलती है, ये अपनी यूएसए में चलती है और ये धूल भरी आंधियाँ जो होती है ना इस प्रकार से रहेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं मिस्ट्रल, मिस्ट्रल फ्रांस के अंदर है, मिस्ट्रल कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, और ये हमारी ठंडी पवन होती है, कौन सी होती है, ठंडी पवन होती है। इसके बाद है सिराको, सिराको उत्तरी अफ्रीका में चलती है और गर्म हवाएं होती है, सिराको उत्तरी अफ्रीका में चलती है और गर्म हवाएं होती है। फिर होती है फ्रेंड्स विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली कहाँ पे चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, गर्म पवने होती है। फिर सांता एना, सांता एना कहाँ पे चलती है, ये हमारी कैलिफोर्निया में चलती है, कहाँ पे चलती है, कैलिफोर्निया में। और इनसे क्या है, जो बगीचे बाग वगैरह होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो पवने की है, पवन चैप्टर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, इसके एमसीक्यू करेंगे। और स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।